युगो युगो से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल, आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनी शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 21 फरवरी 2020 दिन शुक्रवार, फागुन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज त्रयोदशी तिथि शाम 5:20 तक रहेगी और उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 1:04 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 11:14 से लेकर दोपहर 12:40 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये आशा करता हूं कि भोले बाबा, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी आपके परिवार पर हमेशा अपनी शुभ दृष्टि बनाकर रखें ताकि आपके परिवार का वैभव और समृद्धि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आप आलस के चक्कर में कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी गवा सकते हैं जिससे आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप प्रातः काल उठकर पवित्र होकर व्यायाम करें। इससे आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती आएगी और आप अपने कार्यों की सिद्धि के लिए अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार मेहनत कर पाएंगे। स्टूडेंट्स की पढ़ाई में आज बाधाएं उत्पन्न हो सकती है और कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शंस आज उनकी पढ़ाई में खलल डालेगी जिससे उनकी एकाग्रता भंग होगी। प्रिय भक्तगणों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनी शशि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। आज आपको व्यवहारिक कुशलता भी दिखाने की जरूरत है क्योंकि लोग आज आपके भोलेपन का फायदा उठाकर अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज आप दूसरों की बातों में आए बिना पूर्ण जांच पड़ताल करके ही कोई डिसीजन लें। आज आपके परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं क्योंकि आप उनके साथ पिछले कई दिनों से वक्त नहीं बिता पा रहे हैं। इसलिए आज एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट फॉलो करते हुए अपने परिवार की सदस्यों के साथ टाइम बिताएं और उनको शिकायत का मौका ना दें। आज यदि आप अपनी बहन को या बुआ को मीठी वस्तु खिलाते हैं तो इससे आपको अपने बिजनेस में विशेष लाभ प्राप्त होगा। आज कबूतरों को दाना डालना भी आपके लिए शुभ होगा। तुला राशि वालों, अगर आपका अपना मकान नहीं है और आप अपना सपनों का मकान जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी जल्द से जल्द
धारण अवश्य करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति काल सर्प दोष की पीड़ा से परेशान है तो आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करके आप काल सर्प दोष की इस पीड़ा से राहत पा सकते हैं। ये उपाय आज आपको महाशिवरात्रि के अवसर से शुरुआत करके हर सोमवार को करना है। इसके लिए आपको 5 मंत्रों का उच्चारण करना है और साथ ही साथ भोले बाबा को सफेद चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना है। ये जो 5 मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम सद्यो जाताय नमः, ओम वाम देवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। मैं आपके लिए मंत्रों को दोबारा पढ़ने जा रहा हूं। ओम सद्यो जाताय नमः, ओम वाम देवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। आपको सुबह और शाम के वक्त इन मंत्रों का उच्चारण करना है और इस पूजा को सफेद चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करते हुए भोले बाबा से प्रार्थना करनी है कि आपको वो काल सर्प दोष की पीड़ा से राहत दे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। वैस पटेल नगर। तो आप गुरुजी के पास आई, क्या प्रॉब्लम था आपका? एक्चुअली मेरा बेटा जो था नशे की गिरफ्त में था और नशे बहुत कर रहा था फ्रेंड्स के साथ और रात को भी लेट नाइट आना, परेशान करना, तो इन सब की वजह से मैं आई। कब से परेशान किया? मैं परेशान थी 4-5 साल से। मुझे कुछ उपाय बताए थे और साथ में मेरे को इन्होंने रिंग पहनने के लिए बताई थी बच्चे के लिए, तो वो मैंने फिर डलवाई थी। तो अब रिंग पहने कितना समय हो गया उसे? रिंग पहना था न्यू ईयर को, 1 जनवरी को, और तब से उसने एक बार भी रिंग नहीं की है और अपना फ्रेंड्स वगैरह का साथ छोड़ दिया। आपको उससे इतनी देर में फायदा हो गया? हाँ जी, आज एक है तो एक महीने में, मतलब बिल्कुल मुझे उसने कभी टच ही नहीं किया उसको। आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी गुरुजी गुरु माँ के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, आकर एक बार जरूर मिलें और जो वो उपाय बताएं करें, निश्चित ही फायदा होगा उससे। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।